यह भाई साहब यूपी के जौनपुर के गालीबाज दरोगा है, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला एफआईआर लिखाने के लिए करीब 6 घंटे से थाने में बैठी थी। इतने में ही उनका बेटा वहां पहुंच गया। उसने दरोगा मनोज सिंह से एफआईआर ना लिखने का कारण पूछा तो दरोगा जी भड़क गई और फिर देखिए कैसे बेटे को जूते से मारने की धमकी देने लगे। आप पुलिस वाले की तरफ अरे ऐसे बात मत कीजिए हमारे साथ। आप पुलिस वाले की तरफ बहुत इज्जत करते हैं, सरकार की बहुत इज्जत कर रहे हैं, लेकिन छोड़ते हैं कि बहुत अच्छे से बात कीजिए, समझे? सुबह से कल दे दिया आपको पेपर, अभी 6 घंटे हो। बात यही खत्म नहीं हुई। पीड़ित ने कहा कि वह इसकी शिकायत पीएमओ और डीएम से करेगा तो दरोगा जी कह रहे हैं जाइए कर लीजिए। एक बार फिर देखिए वीडियो। अब सरकार तो खूब दावा कर रही है कि पुलिस और जनता के बीच मित्र जैसा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस और सरकार की साख पर बट्टा लगाने में पीछे नहीं रहते। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।